नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार में नगर निगम चुनाव का ऐलान होते ही सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है और अब प्रत्याशियों को चुनाव सामग्री खरीदने के लिए अब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके छोटे शहरों में भी ये सुविधा उपलब्ध है। अब आपको बता दें कि खबर कटिहार से निकल कर आई है, जहां चुनाव सामग्री भव्य तरीके से बेची जा रही है और आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि चुनाव सामग्री को खरीदने के लिए किस तरीके से प्रत्याशियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आप तस्वीरों को देखिए और लोगों की बातें सुनिए कि उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है। यह है आप दुकान तक पहुंचे, चुनाव कितना प्रभाव पड़ता है इस तरह का चुनाव प्रचार करने का छाप को लेकर? बहुत प्रभाव पड़ता है छाप को लेकर, और ये थोड़ा अच्छा लगता है कि ये छाप है। हालांकि पब्लिक तो जो भी वोट करता है वो अपना प्रतिनिधि को देख के करते हैं, छाप से मतलब नहीं, लेकिन छाप भी जरूरी है। छाप लोग देखता है उसको, देखता है देख के देता है। पहले जो है स्टिकर पोस्टर दिल्ली पटना से लाना, अब यहाँ मिल रहा है, कितना? ये बहुत खुशी की बात है। पहले हम लोग को पटना से कभी मंगाना पड़ता था या कलकत्ता से मंगाना पड़ता था, आज देख रहे पहली बार ऐसा कि कटिहार में ये मिलने देखने को मिला और बिक भी रहा है। कहाँ से आए? गोरखपुर से सर जी, गोरखपुर यूपी से। कौन कौन छाप का ज्यादा ही है सर? यहाँ पार्षद वाला, मुख्य पार्षद वाला सामान ज्यादा बिक रहा है सर। क्या दिन का दुकानदारी कर रहे हैं अभी सर? लगभग 3-4 दिन का दुकानदारी करेंगे सर। पूरा स्टॉक है? हाँ पूरा स्टॉक भरपूर है, खत्म हो जाएगा फिर मंगाएंगे सर। बाहर से पहले हाँ सर, तैयारी है तमाम जी 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 जी। झंडा है, स्पीकर है, बिल्ला है, ईवीएम मशीन है, और उसके बाद यही सब है सर। हाँ सब बढ़िया है सर। तो आपने कटिहार जिले के लोगों को सुना जिन्होंने चुनाव सामग्री को लेकर बातें कही हैं। उन्होंने इस बताया कि अब बड़े शहरों में जाकर चुनाव सामग्री खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे शहरों में भी, बल्कि कटिहार में भी चुनाव सामग्री उपलब्ध है। आपको बता दें कि कटिहार में महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षद चुनाव को लेकर चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। चुनावी बाजार का रंग पूरी तरह से शबाब पर है। अब तक चुनाव से जुड़े प्रचार प्रसार सामग्री खरीदने के लिए प्रत्याशियों को दिल्ली, पटना और कई जगह जाना पड़ता था, और मगर अब छोटे शहरों में भी यह सामग्री की बड़ी बाजार देखने को मिल रहा है। बाहर से व्यापारी आकर चुनाव सामग्री का व्यापार कर रहे हैं। इनमें आकर्षक सिंबल लगा हुआ है, आकर्षक टोपी, झंडा, बैच, ईवीएम मशीन का डेमो और कई तरह का सामग्री मिलने से प्रत्याशी भी कम समय में आसानी से यह सुविधा ले पा रहे हैं। यही से इन सामग्रियों की खरीदारी भी कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव सामग्री के व्यापार से जुड़े लोग तो खुश हैं ही, साथ ही प्रत्याशी भी स्थानीय स्तर पर महानगरों की तर्ज पर प्रचार सामग्री यहां पर उपलब्ध होने से बेहद संतुष्ट हैं। चुनावी बाजार के इस रंग पर व्यापारी और प्रत्याशियों से बातचीत की गई और उन्होंने इसमें अपनी बातें भी रखी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब बड़े शहरों में जाकर चुनाव सामग्री खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब खुद अपने इस शहर और अपने कटिहार में भी ये सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जा रही है, क्योंकि बाहर से ही ये बड़े शहरों से व्यापारी आकर इधर व्यापार कर रहे हैं, चुनाव सामग्री बेच रहे हैं, और इस वजह से चुनावी लोग जो लोग प्रत्याशी है उनकी भी इस समय बच जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। तो इस विषय में आपकी क्या राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।